हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो भी अपना टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, एक तरह से व्यवसाय क्या होता है इसको समझना स्टार्ट किया था। उससे पहले हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे क्या रहा है, कब व्यापार कैसे होता था, व्यवसाय क्या हुआ करते थे, और जो हमारी एक इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम था, इंडिजेनस मतलब जो हमारा स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम था उसने किस तरह से मदद किया था, ये सब की बात की थी। अभी हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे कि व्यवसाय क्या होता है और वाणिज्य क्या होता है, ठीक। और एक और बात समझिएगा कि अभी आपको समझते समझते आइडिया लगने लगेगा कि कोई बहुत ही ज्यादा एकदम फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। जैसे पाला खींच दिया, आपने बैडमिंटन खेल रहे हो तो एक कोर्ट आपका है, दूसरे का है। यहाँ की जो बाउंड्री वो धुंधली होती है, थोड़ा इधर उधर का भी हो जाएगा उसको भी वाणिज्य कह सकते हैं, कभी इधर चले जाओगे उसको भी व्यवसाय कह सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा एकदम बहुत वेल डिफाइंड चीजें नहीं होती है, थोड़ा आगे पीछे चलती रहती है, ठीक। और जो अपना वास्तविक जीवन है ना, जब कार्टून वर्ल्ड आप देखते हो तो कार्टून वर्ल्ड में क्या होता है, घर बना दिया है तो आपको एकदम से सीधी सीधी लाइंस दिख रही होती हैं, या घास है तो एकदम हरे रंग की, उसके बगल में नदी है तो एकदम से नीली हो गई है ना। लेकिन जो वास्तविक जीवन है उसमें वैसा नहीं होता, बाउंड्रीज जो होती हैं वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी के साथ होती है, एकदम से फिक्स नहीं होती, वैसी चीज है। और यहाँ पर ये मैंने बनाया इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपका एक माइंड मैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। माइंड मैप सोचते हैं, माइंड मैप में क्या होता है कि आप दिमाग में चीजों को कैसे सोचते हैं, तो अगर आपको एक बार जो बोर्ड पर लिखा है उसको ठीक से समझ लेंगे ना तो हमें आगे के लिए बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसलिए मैंने थोड़ा मेहनत करके ज्यादा ज्यादा थोड़ा कंटेंट लिखा है, लेकिन इसको एक साथ मत पढ़ना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ना स्टार्ट करना तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग और वाणिज्य, उद्योग को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री और वाणिज्य को बोल देते हैं हम लोग कॉमर्स। उद्योग क्या होता है? उद्योग, उद्योग ये होता है कि कोई भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग किसी भी तरह की उपयोग की जा सकने वाली वस्तु में परिवर्तित करते हैं, वो उद्योग हो गया, वो हमारी क्या हो गई, इंडस्ट्री हो गई। संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना ये हमारा उद्योग होता है, उद्योग का ये काम है। वस्तुओं का उत्पादन भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो उत्पादन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज बनाई है ना, जैसे मार्कर है, ये ऐसा प्रकृति में तो पाया नहीं जाता है, इसको काफी मेहनत करके इस तरह का बनाया गया होगा है ना, तो ये तो हमारा मार्कर हो गया। कई बार क्या होता है कि प्रकृति में कोई चीज पाई जा रही है लेकिन उसी का थोड़ा सा रूप परिवर्तित करना है। जैसे मान लीजिए लकड़ी कोई काट के लेकर के आया है, पेड़ की लकड़ी, अब उसकी छाल हटा करके आपने देखा है कि उसके बड़े बड़े ऐसे करके लट्ठे बनाए जाते हैं और फिर एक मशीन होती है जो उसको काट करके एक क्यूबॉइड का शेप देती है, एक घनाभ का शेप देती है ना। तो वो जो घनाभ का शेप दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है कि उसके बाद ही उसके ऊपर कोई काम हो पाएगा, तो आगे किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है उसमें आप बना पाओ। तो या तो आप उसको अंतिम रूप दे दो जैसे मार्कर के केस में हो गया, या फिर आप उसको ऐसा बना दो कि उसको आगे किसी और तरह से प्रयोग किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री या फिर उद्योग, ठीक है। अब इसी में जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है, हमारे दिमाग में ऐसी इमेज आती है कि कुछ वहां पर मशीन्स का प्रयोग हो रहा है तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं यांत्रिक उपकरण, ठीक। और साथ में जो मशीन्स को समझने वाले लोग हैं वो लोग कुछ इंजीनियर्स हैं या फिर टेक्नीशियंस हैं, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उनके पास तकनीकी कौशल है, क्या है, तकनीकी कौशल, उनके पास इस तरह का स्किल है। तो हम लोग जैसे ही सोचते हैं इंडस्ट्री के बारे में तो हमें लगता है कि अच्छा हाँ मशीन्स होंगी बड़ी बड़ी, ऐसा सोचते हैं ना, और साथ में सोचते हैं कि उनके पास क्या हो रहा होगा, जो लोग भी यहाँ पर काम देखने वाले होंगे उनकी इन सारी चीजों की समझ होगी, तो हमारा आइडिया ऐसा लगता है, और जो गलत नहीं है काफी हद तक सही है, बिल्कुल ही ठीक है लगभग लगभग। और साथ में ये थोड़े से लोग इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। देखो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, वो डिवीजन यहां पर काफी हद तक सेम है, सिमिलर है, लेकिन यहां पर हम लोग जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से तरह के उद्योग चल रहे हैं है ना। जैसे कुटीर उद्योग हुआ करता था हमारा, अब वो छोटे से घर में ही कोई काम चल रहा है तो उसको कुटीर उद्योग बोल देंगे। ऐसे ही पशुपालन जो है ना, पशुओं को पालना, फिर उनका प्रजनन कराना और उसके बाद से उनसे मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना, जैसे गाय वगैरह को पाल करके अगर काम किया जा रहा है तो उसमें क्या हम लोग बोल देते हैं, उसको भी एक तरह की इंडस्ट्री बोला जाता है। तो ये पशुओं का पालन एवं प्रजनन है, ये एक तरह की इंडस्ट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, जो भी चीजें हैं पशुओं से मिलने वाली वस्तुओं को प्रयोग करने लायक बना करके दे रहे हो है ना। दूध है तो उसको हम लोग सारे लोग पी रहे हैं, साथ में दूध से मिलने क्या क्या बन सकता है, चीज बनता है, बटर बनता है ना, और आपका घी बनता है हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से,
घी बाकी कंट्रीज में नहीं बनाते थे, वहां पर बटर, और जैसे फ्रांस है तो फ्रांस में चीज का बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, तो हमारे यहाँ पर घी चला करता था। ऐसे खोया बनाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल रॉ फॉर्म में भी और उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद भी, वो डिविजन आपको यहाँ पर अभी दिखेगा। तो वो सारी चीजें भी हमारी क्या कहते हैं, इंडस्ट्री का हिस्सा है, एक तरह की इंडस्ट्री है। और एक तरह की इंडस्ट्री है, जैसे मैंने बोला वैसे समझिए कि जैसे मैं बोलूं कि सिनेमा, ठीक है, तो इंडिया में जो फिल्म्स हैं उनको भी क्या बोला जाता है, अपने यहाँ पर बॉलीवुड है तो उसको भी कई बार इंडस्ट्री बोलते हैं, और खासतौर से जो बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं वो लोग तो बॉलीवुड को इंडस्ट्री ही बोलते हैं कि इंडस्ट्री में ये चीज अच्छी नहीं है। इंडस्ट्री में आजकल एक इशू चल रहा है कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। नेपोटिज्म समझते हैं कि मेरा लड़का है वही एक्टर बनेगा अगर मैं हूं, तो कपूर फैमिली है, खान है कुछ, तो इन लोगों का क्या हो रहा है कि उनके बच्चे हैं वो हमेशा ही बन जाते हैं, उन्हीं को एक्टिंग का काम मिल जाता है, जबकि हो सकता है कि बाकी एक्टर्स अच्छा काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, भाई भतीजा बात, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म चल रहा है कहां पर, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं बॉलीवुड को, बॉलीवुड को इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां पर एक जैसा काम हो रहा हो, एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो या एक जैसा बना रहा हो, तो उनका प्रोडक्ट क्या है, फिल्म्स बनाते हैं वो लोग, है ना, कोई कहानी है उसको लेकर के आया, फिर कला बहुत सारा काम होता है उसमें, उन सारे के बाद से उन्होंने एक फिल्म बनाई, तो बहुत सारे लोग फिल्म बना रहे हैं। तो जब एक जैसा काम जहां पर हो रहा होता है ना, उसको भी हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है, अब सूती वस्त्र उद्योग में क्या हो गया, जहां पर कपास की खेती किसी ने की, खेती को हमने प्राइमरी उद्योग में मान लेंगे, उसके बाद से उसके ऊपर हमने क्या किया, धागा बनाया, उसकी रंगाई हुई, उसकी बुनाई हुई, बुनाई के बाद से फिर उसको अलग अलग तरह के कपड़े बनाए गए, तो ये सारा पार्ट क्या हो गया, सूती उद्योग इंडस्ट्री का हो गया। ऐसी कोई बोले इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो सारी चीजें उन सबको मिला करके बोल दोगे ना, तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है यार, उसकी हालत अब अच्छी नहीं है, हमें सारा सामान जो है बाहर चाइना से मिला करके करना पड़ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि एक ही जैसा काम करने वालों को भी मिला करके हम क्या बोल देते हैं, उद्योग बोल देते हैं। लेकिन दोनों, अब दो तरह का अर्थ है, एक तो है कि आप संसाधनों का उपयोग करके जो फाइनल वस्तु में बना रहे हो उसको इंडस्ट्री कहते हैं, एक तरह की वो परिभाषा है। उसी का एक तरह का दूसरे अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है कि एक जैसे सारी चीजें हैं उनको मिलाकर के भी हम क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री बोल देते हैं, ठीक। तो यहां पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से क्या हो जाता है, यहां पर एक और चीज आती है। अब यहां पर हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा अंतर है। देखो भाषा में क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा भाषा के आधार पर भी अंतर पड़ जाता है। जैसे बारिश हो रही है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है, या इसी को इंग्लिश में जब बोलना होता तो बोलते हैं इट इज रेनिंग, है ना। जिस तरह से कुछ कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जिसमें आपको दूसरी भाषा का जो परिवेश है, जो कल्चर है, वो सीखना पड़ जाता है ना। जैसे मैं हूं के इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज आई, है ना, तो आई के साथ तो एम लगाते हैं, लेकिन यहां पर इट इज के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक, हर भाषा का अपना अपना क्या होता है, बोलने का, सुनने का, समझने का, मैसेज को ट्रांसफर करने का एक अपना नजरिया होता है, एक अपना तरीका होता है। वैसे ही यहां पर हम लोग बैंक्स की जब बात करते हैं, बैंकिंग की या बीमा की बात करते हैं, तो आमतौर पर हिंदी में हम लोग बैंक उद्योग नहीं कहते हैं, है ना, और इंग्लिश में जब बात करते हैं तो कभी कभी बैंक, सारी बैंक मिला करके एक साथ बैंकिंग सेक्टर तो कहा ही जाता है, हिंदी में बैंकिंग क्षेत्रक बोल देते हैं, बैंक क्षेत्रक बोल देते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर का ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में बैंकिंग इंडस्ट्री भी बोल देते हैं, हिंदी में हम लोग बैंक उद्योग आमतौर पर नहीं बोलते हैं। किताब में लिखा हुआ है कि वैसा भी बोला सकता है, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। ऐसे ही बीमा उद्योग हम लोग नहीं बोलते हैं, बीमा सेक्टर बोल देते हैं, बीमा क्षेत्र बोल देते हैं, लेकिन बीमा उद्योग नहीं बोलते हैं। तो यहां पर भी वो इंडस्ट्री जब बोला जा रहा है ना बैंक्स को, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक जैसा काम करने वालों के उदाहरण की तरफ से ही देखा जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, उद्योग के बारे में। वाणिज्य क्या होता है, देखो वाणिज्य का मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो भी है उसको मदद की जा सकने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जो चीज व्यापार, व्यवसाय को संभव बना रही है, व्यवसाय में भी इंडस्ट्रीज को, वे सभी क्रियाएं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान, संभरण मतलब सप्लाई करने को, और वितरण को संभव बनाती हैं। ये खुद में चीजें बना नहीं रहे, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, विनिर्माण नहीं कर रहे, निर्माण नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो वो चीजें हो नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इनका कैसा रोल है, साइड में रोल है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई थिएटर है, थिएटर देखा है कभी आप लोगों ने,
मैं कॉलेज में था तो ड्रामा क्लब हमारे यहाँ का काफी अच्छा काम करता था। तो ड्रामा क्लब में जो लोग स्टेज पर होते हैं वही लोग देख रहे होते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले कितने लोग होते हैं? कोई लाइट्स देख रहा होता है, कोई साउंड्स देख रहा होता है, पीछे से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, साथ में स्टेज को भी लोग ठीक कर रहे होते हैं, तो बैक स्टेज बोलते हैं उनको। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या क्लब्स होते थे, एक था ड्रामा क्लब, तो ड्रामा क्लब तो परफॉर्म करता था, लेकिन ड्रामा क्लब अकेले नहीं कर सकता है, ड्रामा क्लब में ही साउंड्स भी चाहिए आपको, लाइट्स भी चाहिए, बैक स्टेज भी चाहिए। तो ये तीनों नहीं होंगे तो आप ड्रामा नहीं कर पाओगे, आप थिएटर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसे ही इंडस्ट्रीज काम तब तक नहीं कर पाएंगी जब तक आप उनके लिए वाणिज्य वाली क्रियाएं लेकर के नहीं आओगे, क्योंकि वो संभव बना रही है, उनके बिना हो नहीं पाएगा, वो मेन काम नहीं है, वो दिखेगा भी नहीं शायद लोगों को डायरेक्टली, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह का काम होता है हमारे कॉमर्स का, उस तरह का काम होता है हमारे वाणिज्य का। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अब वापस आ जाते हैं, जो बेसिक डिफरेंस था उसको समझ लिया। इसको हम लोग जो जुड़े हुए इनसे काम काज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, है ना। एंटरप्राइज मतलब कोई उद्यम है, और इनको बोल देते हैं हम लोग क्या, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।